सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मटीरिया मेडिका वर्ल्ड। सो बहुत लंबी देर के बाद फाइनली अब हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सीरीज़ जो है रेपर्ट्री की। ओके सो हर फ्राइडे को अब रेपर्ट्री का लेक्चर आएगा, ठीक है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं रेपर्ट्री की वो है कैंट रेपर्ट्री। और आप इसमें देख रहे होंगे कि विथ रूब्रिक हंटिंग लिखा है, तो रूब्रिक हंटिंग का मतलब क्या है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। एंड कैंट रेपर्ट्री मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, वो कभी स्किप मत कीजिएगा। तीन मेन रेपर्ट्री है हमारी, कैंट, बीटीपीबी एंड बीबीसीआर। ओके तो ये तीन रेपर्ट्री जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी ही जाती है एंड आपको स्किप नहीं करनी है। खास करके कैंट तो करनी ही नहीं है क्योंकि कैंट इजी रेपर्ट्री भी है एंड बोनस रेपर्ट्री भी है आप सबके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके तो अब हम पढ़ेंगे कैंट रेपर्ट्री। तो पहले हम देखेंगे कैंट रेपर्ट्री में हमें लिखना क्या है, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या फिर इवोल्यूशन ऑफ कैंट रेपर्ट्री, ठीक है। तो आपको उसमें क्या लिखना है वो इस वीडियो में मैं बताऊंगी। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप सबको एक चीज़ बतानी है, हर एक रेपर्ट्री के लेक्चर में मैं ऑफ वीडियो की एंड में एक रूब्रिक आपको दूंगी या फिर इन मिडल ऑफ अ वीडियो भी मैं आपको रूब्रिक दूंगी, ठीक है। तो आपको वो रूब्रिक या फिर जो सिम्टम्स मैं आपको दूंगी, ठीक है, वो सिम्टम्स को आपको मुझे कैंट रेपर्ट्री में ढूंढ के कमेंट डाउन करना है कि आपको वो रूब्रिक कहाँ से मिला विथ पेज नंबर, ठीक है। और वो कैसे लिखना है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो क्योंकि जो रेपर्ट्री के वाइवा होते हैं उसमें रूब्रिक हंटिंग भी पूछते हैं, ठीक है। जो भी एक्सटर्नल आएगा या फिर इंटरनल, मोस्टली एक्सटर्नल ही पूछते हैं, पर कभी कभी इंटरनल भी पूछेंगे कि आपको कोई सिम्टम्स देंगे और वो सिम्टम्स को आपको कैंट रेपर्ट्री में ढूंढ के उनको बताना है, ठीक है। तो हर एक रेपर्ट्री की वीडियो में मैं एक सिम्टम्स दूंगी जो होगा हमारा रूब्रिक हंटिंग, ठीक है, ताकि आपकी साथ साथ में रूब्रिक हंटिंग की भी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। तो वो आपको ढूंढ के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा रूब्रिक आपको कहाँ मिला विद पेज नंबर, ठीक है। वो कैसे लिखना होगा वो मैं वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखना ताकि आप रूब्रिक हंटिंग का चांस खो ना दो, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको अभी इजी लग रहा होगा, इजीली आप ले रहे होंगे, लाइटली ले रहे होंगे, बट ये एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा मार्क्स कवर करता है आपका रूब्रिक हंटिंग, ठीक है। वाइवा में अगर आपको रूब्रिक हंटिंग अच्छे से आ गया तो आप वो एग्जामिनर के सामने आपकी इमेज अच्छी बन जाएगी, ठीक है। तो वो आपके मार्क्स और बढ़ा देगा, क्योंकि हमारे टाइम पे हमारे रूब्रिक हंटिंग के अप्रोक्स 30 मार्क्स थे, ठीक है। इसलिए आपको बता रही हूँ कि रूब्रिक हंटिंग कैसे करना है और आपकी रूब्रिक हंटिंग की भी प्रैक्टिस इस वीडियो में होगी। ओके सो स्टार्ट करते हैं आज हमारा फर्स्ट लेक्चर रेपर्ट्री का, वो है कैंट रेपर्ट्री। तो उसमें हम पहले देखेंगे कैंट रेपर्ट्री का हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसा था, ठीक है। तो पहला एडिशन हुआ था 1897 में, देन उसको मॉडिफाइड किया, इवोल्यूट किया, तो उसका सेकेंड एडिशन आया 1908 में और उसके पेज नंबर था, कितने पेजेस थे मतलब, तो 1380। देन उसका आया थर्ड एडिशन आया था 1924 में एंड उसके पेज नंबर थे 1423। देन फोर्थ एडिशन आया 1935 में एंड फिफ्थ एडिशन आया था 1939 में, बट वो उसको पब्लिश करने में नहीं आई थी। देन उसको वापस से रीचेक हुआ, सब कुछ हुआ, मॉडिफाइड हुआ, देन उसको पब्लिश किया गया था फिफ्थ एडिशन को 1945 में। देन सिक्स्थ एडिशन आया था 1957 में जो पब्लिश्ड हुई थी, एंड जो इंडियन पब्लिश्ड हुई थी वो हुई थी 1961 में। देन सेवेंथ एडिशन जब रिवाइज्ड हुई थी, पब्लिश्ड कब हुई थी, तो रिवाइज्ड फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1980। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने डिफ़िकल्ट ईयर्स है, कितने पेजेस याद रखने हैं, तो मैं आपको ट्रिक दिखाती हूँ। ओके तो पहला क्या था, पहला एडिशन कब आया था, 1897। ओके तो आप इसमें देख रहे होंगे जितने भी ईयर्स है, ठीक है, वो सारे 19 में जा रहे हैं, 19 सेंचुरी में,
सिर्फ एक ही एडिशन ऐसा है जो 18th सेंचुरी में है, तो 19 से पहले 18 आता है, तो 18 फर्स्ट हुआ तो वो हो गया फर्स्ट एडिशन, और उसके साथ साथ क्या आया 897, तो 18, देन 8 के बाद आता है 9, एंड 8 से पहले आता है 7, तो 1897, ओके। देन सेकेंड एडिशन आया था, अभी 19th सेंचुरी स्टार्ट हो गई क्योंकि 97 था, मीन्स अभी वो सेंचुरी ख़त्म होने को आई। अब सेकेंड एडिशन 19th सेंचुरी से सारी एडिशन स्टार्ट होगी, तो क्या होगा कि जो सेकेंड एडिशन है वो फर्स्ट आई थी 1908, ओके। और उसके पेज कैसे थे उसका उल्टा कर दीजिएगा, 13 है और 08 की जगह 80 है, ठीक है। देन थर्ड एडिशन आई थी वो 1924 में, और उसके पेज नंबर कैसे हो गए, 1423, ओके। देन 24 के बाद आ गया 35, तो 35 कब हुआ, फोर्थ एडिशन में, ठीक है। अब बाकी की जो सीरीज चलेगी वो कैसी होगी देखना, फिफ्थ एडिशन में होगा 1939 में तो हुआ बट वो पब्लिश नहीं हुई थी। फिफ्थ एडिशन में दो एडिशन होंगे, ठीक है, एक नॉट पब्लिश्ड एंड वन विल बी पब्लिश्ड, ठीक है। तो 1939 होगी नॉट पब्लिश्ड एंड 1945 होगी पब्लिश्ड वन, ठीक है। तो 39 के बाद आ जाएगा डायरेक्ट 45। देन सिक्स एडिशन कैसी होगी, 57 होगा एंड 61, 57 पब्लिश्ड हुए और 61 में इंडियन वर्जन पब्लिश्ड हुआ। देन सेवेंथ एडिशन अगर आपको याद रहता है तो सेवेंथ एडिशन में क्या होगा कि रिवाइज्ड फर्स्ट एडिशन, जो फर्स्ट एडिशन था, ठीक है, उसको रिवाइज करके कब पब्लिश की, 1980 को, ठीक है, ओके। तो होप आपको समझ में आया होगा, फिर भी हम एक बार अच्छे से वापस से देखेंगे, ठीक है। तो क्या है कि हाँ, तो फर्स्ट एडिशन कब था, फर्स्ट था 1897, ठीक है, 1897 को। देन 1897 के बाद कौन सी सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी, 19th, ओके। 19th सेंचुरी स्टार्ट होगी तो सेकेंड एडिशन कब आएगा, 1908, ठीक है, अभी स्टार्टिंग ही हुई है इसलिए। अब उसमें जो एडिशन थे उस पे पेज कितने थे, 1380, इधर 08 है, इधर उसका 80 हो जाएगा, ठीक है। देन थर्ड एडिशन कब आई, तो थर्ड एडिशन कब आई थी, 1924, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड एडिशन थी 1908, अभी 08 के बाद कौन सी सीरीज चालू हो जाएगी, 24 की, ठीक है। और उसमें पेज कितने थे, 1, ठीक है, और 4, 2 एंड 3, ठीक है। तो ये इसके पेज नंबर थे, ये ट्रिक दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। देन फोर्थ एडिशन आई, फोर्थ एडिशन में कितने थे, अभी 24 की सीरीज चल रही थी, अभी 24 के बाद आएगी 30, ठीक है, तो 35, ठीक है। तो 1935 में फोर्थ एडिशन आई। अब फिफ्थ एडिशन कब आई थी, फिफ्थ एडिशन आई थी दो टाइप में, एक थी पब्लिश्ड वाली और दूसरी थी नॉट पब्लिश्ड, ठीक है। तो नॉन पब्लिश्ड कब हुई थी, 19 जो बनी थी, जो पब्लिश नहीं हुई थी वो थी 1939, ठीक है, 1939। एंड जो पब्लिश्ड एडिशन आई थी वो 39 की बाद की सीरीज, जो कि 40 वाले, तो 1945, ओके। 19 तो सब में कॉमन रहेगा, आपको पीछे का मेन याद रखना है, ठीक है। देन जो सिक्स्थ एडिशन आई, अभी सिक्स्थ एडिशन में भी दो टाइप होंगे, सिक्स्थ में एक होगा पब्लिश्ड वन एंड दूसरा होगा इंडियन वर्जन, ठीक है। तो पब्लिश कब हुई थी, 1957, इससे पहले हमने देखा था तो वो था 45, अभी 57 की सीरीज स्टार्ट हुई। एंड जो इंडियन पब्लिश्ड हुई, ठीक है,
वो किस में हो गई 50 के बाद की सीरीज 60 वाले, तो 1961। ओके देन उसके बाद जो सेवेंथ एडिशन आई, ठीक है, कुछ बुक में सेवेंथ एडिशन दी है कुछ बुक में नहीं दी है, तो सेवेंथ एडिशन आई वो क्या थी, फर्स्ट जो एडिशन थी उसका रिवाइज्ड किया था उसमें, ठीक है। तो वो कब पब्लिश हुई थी, 1980, ठीक है, जो पहले सेकेंड एडिशन का पूरा उल्टा, ठीक है। पहली सेकेंड एडिशन की किसकी थी, 1908, इसका अब लास्ट एडिशन में उल्टा आ जाएगा 1980। ओके तो आप वैसे याद रख सकते हो, अगर आपको कोई अच्छी सी भी ट्रिक आती हो तो उस हिसाब से भी आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे जो है फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड। तो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड में क्या है कि ही लेड मच एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस टू जनरल्स, ठीक है, जो हमने ऑर्गेनॉन में भी देखा था कैंट की, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी होगी तो मैं आई लिंक पे शेयर कर दूंगी, उसमें हमने देखा था कि कैंट ने सबसे ज़्यादा भार किस पे दिया है, जनरल्स पे, ठीक है। देन हिज रेपर्ट्री इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ जनरल्स टू पर्टिकुलर, ठीक है, जो हमें पता है कि कैंट ने सबसे ज़्यादा भार जनरल्स टू पर्टिकुलर को दिया, अगर जनरल सिम्टम्स ज़्यादा स्ट्रांग हो गए तो वो पर्टिकुलर को भी नेग्लेक्ट कर सकता है, अगर पर्टिकुलर IMP ना होंगे या फिर कॉमन सिम्टम्स वाले पर्टिकुलर होंगे तो, ठीक है। देन ड्यूरिंग द अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन रूब्रिक सब रूब्रिक एंड रेमेडीज दिस प्रिंसिपल इज स्ट्रिक्टली फॉलोड, ठीक है। अब इसमें रेपर्ट्री में कैसी अरेंजमेंट है उसकी, कि सेक्शन देंगे देन रूब्रिक होंगे, उसके सब रूब्रिक होंगे एंड देन उसकी रेमेडीज आएगी, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल पे पूरी रेपर्ट्री बेस्ड है। देन द एंटायर प्रोसेस ऑफ रेपर्ट्राइजेशन रिवॉल्व्स अराउंड द फिलोसॉफी एज फॉलोज, तो कौन सी है, प्राइम इम्पोर्टेंस टू मेंटल जनरल, सेकेंड इम्पोर्टेंस टू फिजिकल जनरल इंक्लूडिंग मोडालिटीज, देन पर्टिकुलर फॉर फाइनल डिफ्रेंसिएशन एंड लिमिटेड जनरलाइजेशन। तो ये चार प्रिंसिपल पे या फिर ये चार फिलोसॉफिकल बेस पे पूरी रेपर्ट्री बनी हुई है। क्या है, पहला तो मेंटल जनरल इम्पोर्टेंट है, देन सेकेंड है फिजिकल जनरल विथ मोडालिटीज, थर्ड है पर्टिकुलर फॉर फाइनलाइजेशन या फिर आप डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो उससे, एंड फोर्थ वन इज लिमिटेड जनरलाइजेशन। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन या फिर स्ट्रक्चर ऑफ रेपर्ट्री कैसी है। तो इन द सिक्स एडिशन ऑफ डॉक्टर कैंट्स रेपर्ट्री इज डिवाइडेड एंड कंस्ट्रक्टेड इन फॉलोइंग वे, तो कैसे स्ट्रक्चर उसकी बनी है कैंट रेपर्ट्री की। तो पहली है प्रीफेस, देन रेमेडी एंड देयर एब्रीवेशन, इंट्रोडक्शन टू रेपर्ट्री, रेपर्ट्री प्रॉपर, ठीक है। अगर आपने कैंट रेपर्ट्री देखी होगी, अगर आपके पास हो तो आप लेके बैठ सकते हो, अभी ले लिया आपने, ओके। तो उसमें आप पहला पेज देखोगे तो उसमें होगा प्रीफेस, स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि पहला उसका पेज है प्रीफेस का, देन आएगा उसकी रेमेडीज एंड देयर एब्रीवेशन, ठीक है, जैसा अभी दिख रहा है स्क्रीन पे कि अभी उसकी रेमेडीज है और उसके एब्रीवेशंस दिए हैं, ठीक है। देन उसका आएगा इंट्रोडक्शन टू रेपर्ट्री। अब आप देख रहे होगे स्क्रीन पे कि जो रेपर्ट्री है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आएगा, देन उसके बाद पूरी प्रॉपर रेपर्ट्री चालू होगी। अब जो रेपर्ट्री प्रॉपर है उसमें कैसे अरेंजमेंट है या फिर उसका कैसा स्ट्रक्चर है, कि अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस होंगे, देन रूब्रिक एंड सब रूब्रिक एंड देन रेमेडी अरेंजमेंट, ठीक है। तो प्रीफेस में क्या है कि प्रीफेस सेक्शन डील्स विद द वेरियस एडिशन एंड पब्लिकेशन ऑफ डिफरेंट एडिशन ऑफ द रेपर्ट्री। हमें पता है कि प्रीफेस में क्या होता है कि जो भी रेपर्ट्री होगी, ठीक है, जो अपनी कैंट रेपर्ट्री है उसके कितने एडिशंस हुए हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितनी बार उसको पब्लिश की गई है, वो सारी डिटेल्स प्रीफेस में दिया होगा। देन डॉक्टर कैंट हैज एक्सप्लेन अबाउट द यूज़ ऑफ रेपर्ट्री, हाउ टू स्टडी द रेपर्ट्री एंड हाउ टू यूज़ द रेपर्ट्री, ठीक है। तो फिर उसमें क्या होगा कि कैंट ने उसमें लिखा है कि रेपर्ट्री को कैसे यूज़ करनी है और कैसे उसको स्टडी करनी है और उसको यूज़ कैसे करनी होगी, ठीक है। देन द प्लान ऑफ द रेपर्ट्री इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट, फॉर एग्जाम्पल जनरल टू पर्टिकुलर, पूरी रेपर्ट्री जनरल टू पर्टिकुलर की बेस में ही हमें देखने को मिलेगी। देन ही फॉलोज प्लान ऑफ डॉक्टर लिप्पीज रेपर्ट्री,
इन लिप्पीज़ रेपर्ट्री देयर आर 34 सेक्शन बट डॉक्टर कैंट मेड इट 37 विथ चेंज इन मेनी हेडिंग्स. ओके, तो अगर अगर आपको वाइवा में भी पूछी जाती है कि डॉक्टर कैंट की रेपर्ट्री किसकी बेस से बनी है, तो वो होगी डॉक्टर्स लिप्पी. ठीक है, लिप्पीज़ रेपर्ट्री के बेस पे अपनी कैंट रेपर्ट्री बनी है. ठीक है, ये वाइवा में भी पूछा जाता है, वन लाइन क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि कैंट रेपर्ट्री कौन सी बेस रेपर्ट्री से बनी है, तो वो होगी डॉक्टर्स लिप्पीज रेपर्ट्री. ठीक है, तो लिप्पी रेपर्ट्री में क्या था, 34 सेक्शंस थे, बट कैंट ने क्या कर दिया, उसको 37 में कन्वर्ट कर दिया. और उसने थोड़ी क्यों कैसे की, तो उसने जो हेडिंग्स थी उसमें चेंजेस की थी. देन कैंट गिव्स इम्पोर्टेंस इन हिज एनालिसिस टू वेल मार्क्ड मेंटल सिम्टम्स. ठीक है, देन इन सेक्शन इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ रूब्रिक्स. टोटल रूब्रिक कितने हैं, 5-7 एंड सब रूब्रिक है 3-7-8-2. ठीक है, ये आपको नंबर खास याद रखने होंगे क्योंकि ये वाइवा में तो पूछे जा सकते नहीं पूछे जा सकते, बट जो MCQ होंगे उसमें खास पूछा जाएगा. एंड ऑल्सो जब कैंट रेपर्ट्री आपको पूछी जाएगी तभी भी आपको ये चीज़ मेंशन करनी होगी कि कैंट रेपर्ट्री में क्या है, सेक्शन कितने हैं 5-7 एंड जो सब रूब्रिक है वो कैसे हैं, कितने हैं 3-7-8-2. अब अगर आपको याद रखने में डिफ़िकल्टी होती हो ये नंबर, तो हम थोड़ी इसमें ट्रिक दिखाते हैं कि आप कैसे याद रख सकते हो. ठीक है, तो जो कैंट रेपर्ट्री है, ठीक है, उसके सेक्शन कितने हैं, सेक्शंस. ओके, सेक्शंस तो किसने कितने कहा है, 5-7. ओके, अब आप इसको अलग करके देखिए, ये हो गया 52 देन 7. ओके, 7 को एज इट इज़ रखो, 5-6-7 ये हो गया इसका सम हम करेंगे तो 7. ठीक है, तो आपको याद करना है कि 7 और 7 रखना है. तो ये 7 कैसे बनेगा, तो 5+2=7, तो 5-2-7. ओके, तो इतने इसके सेक्शन हैं. एंड जो सब रूब्रिक्स है, ठीक है, तो सब रूब्रिक में अब हम देखेंगे हम इसको कैसे बना सकते हैं. सब रूब्रिक, अब इसके आपने देखे होंगे कितने हैं, 3-7-8-2. ओके, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को अलग करना है. ओके, 3+7 करेंगे तो इज इक्वल टू होंगे 3-4-5-6, अरे सॉरी 5-7-8-9-10, सॉरी. ओके, 10 आया, देन 8+2 आपको करना है, वो भी आ जाएंगे 10. तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, 10 लाने हैं. तो 10 कैसे ला सकते हो, 37+82. ओके, तो ये आप इन दोनों का सम करोगे तो 10 आएगा, 7-8-9-10, 8-10. ओके, आप ऐसे याद रख सकते हो इसको, मैंने ऐसी ट्रिक अपनाई थी याद करने के लिए. ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, तो क्या है कि दिस रूब्रिक्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ देयर बेसिक डिवीजन ऑफ मेंटल सिम्टम्स. तो हमें पता है कि मेंटल जनरल में हमने देखा था कैंट फिलोसॉफी में कि क्या दिया गया था मेंटल सिम्टम्स में, या फिर मेंटल जनरल में तीन कैटेगरी दी थी, विल एंड इमोशन, इंटेलेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी. देन सिम्टम्स आर अरेंज्ड अंडर फॉलोइंग हेडिंग्स. कैसी है, कैसे तरीके से अरेंजमेंट की होगी, तो हो गए पहले सेक्शन जो होगा मेन रूब्रिक, देन आएगा रूब्रिक एंड सब रूब्रिक, देन आएगी रेमेडी, उसकी अरेंजमेंट. ओके, अब हम देखेंगे चैप्टर, जो मेन चीज़ है. ठीक है, तो चैप्टर कितने हैं, 37. अब कैसे याद करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी, पर पहले हम देखेंगे चैप्टर कौन कौन से हैं. तो पहला है माइंड, देन आएगा वर्टिगो, हेड आई विजन, ear hearing, nose face, mouth teeth, throat internal and throat external, stomach then abdomen, rectum stool, bladder kidney, prostate, urethra urine.
मेल जेनाइटेलिया, फीमेल जेनाइटेलिया, लैरिंग्स एंड ट्रेकिया, रेस्पिरेशन कफ, देन एक्सपेक्टोरेशन चेस्ट, बैक, एक्सट्रीमिटीज, स्लीप, चिल, फीवर, परस्पिरेशन स्किन एंड जनरलाइज जनरलिटीज। आप सोच रहे होंगे कि इसको याद कैसे करें, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी एक ट्रिक। ओके, तो ट्रिक क्या है कि तो ट्रिक ऐसी है कि पहले हमने देखा माइंड, ठीक है, तो माइंड क्या हो गया, एक प्रकार का अपना दिमाग, ब्रेन, ठीक है। तो माइंड तो सबको याद रहेगा ही, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ही कैंट का माइंड है, ठीक है। तो माइंड आया, तो माइंड कहाँ होगा, माइंड माइंड कहाँ होगा, पहला, ठीक है, ऊपर, मतलब फर्स्ट आएगा वो, देन आएगा चक्कर, मीन्स वर्टाइगो। अब वर्टाइगो कहाँ होगा अपन को, हेड में, ठीक है, मतलब सर, ठीक है। अब हेड में वर्टाइगो हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा विजन ब्लर हो जाएगा, तो आँख में तकलीफ होगी, तो आइज ऊपर से नीचे आना, ठीक है, ऊपर से ऐसे नीचे आएंगे अभी हम, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, आँख में तकलीफ होगी। अब आँख में तकलीफ हुई तो क्या हुआ, विजन प्रॉब्लम, तो विजन में प्रॉब्लम हुई। अब विजन में प्रॉब्लम हुई तो उसके साथ साथ क्या हुआ, सुनने में भी हमें प्रॉब्लम होने लगे, तो हो गया ईयर, अभी सुनने नहीं दे रहा है, ठीक है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो हो गया हियरिंग, हियरिंग। अब उसकी वजह से क्या होगा, नाक से खून आ रहा है, तो नोज़। अब नोज़ कहाँ पे होता है अपना, मैं थोड़ी गड़बड़ कर गई ना, एट, ये है नाइन, ठीक है। तो नोज़ हमारा कहाँ होगा, फेस पे होगा, ठीक है। अभी फेस के नीचे क्या आता है, मुंह के नीचे या फिर नाक के नीचे आएगा, माउथ, ठीक है। अब माउथ है तो मुंह है, तो मुंह में क्या आएगा, दांत, तो टीथ। अभी टीथ के नीचे जाएंगे तो हमारा थ्रॉट आता है, ठीक है। तो थ्रॉट भी कैसा है, दो प्रकार के थ्रॉट है, एक इंटरनल एंड दूसरा थ्रॉट है बाहर, ठीक है, तो थ्रॉट एक्सटर्नल। अब थ्रॉट तो आगे, अभी उसके नीचे जाएंगे तो क्या आएगा, अपना पेट, ऊपर से नीचे जाते रहना, ठीक है, तो वो आएगा अपना स्टमक, ठीक है। अभी स्टमक आ गया तो स्टमक के साथ साथ क्या कवर अप हो जाएगा, वो कहाँ पे आया, एब्डोमेन। अब एब्डोमेन आ गया तो अभी क्या हो जाएगा, रेक्टम आएगा, उसका एंड आ जाएगा, ठीक है, तो रेक्टम होगा। अभी रेक्टम से क्या पास होता है, सुबह को स्टूल। अभी स्टूल हो गया तो स्टूल के साथ साथ कभी कभी ब्लेडर भी फूल रहता है अपना, ठीक है, तो ब्लेडर भी आ गया। अब ब्लेडर के साथ साथ क्या हो गया, ब्लेडर में क्या रहता है अपना, सबका ही रहता है वैसे, ठीक है, तो ब्लेडर के साथ पूरा कनेक्शन किसके साथ होता है, किडनी के साथ, ठीक है। अब किडनी तो है, ठीक है, अभी किडनी के साथ साथ क्या होगा, प्रोस्टेट। अभी हम नीचे ही खेल रहे हैं, ठीक है, अब प्रोस्टेट हो गया तो अभी उसके साथ पूरा कनेक्शन किस, अभी जो वायर होंगे, ठीक है, तो वायर किससे कनेक्ट हो गए, तो वो यूरेथ्रा, ठीक है। अब यूरेथ्रा से क्या पास होगा, यूरिन। अब यूरिन पास हो गया, ठीक है, तो ये तो पूरा एक बॉडी ही बन गया, बट अब हमें डिफरेंशिएट करना है कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, तो हो गया जेनाइटेलिया, मेल जेनाइटेलिया एंड फीमेल जेनाइटेलिया। ओके, तो इतना तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें डिफरेंशिएट तो हो गए कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, अब हमें थोड़ा वापस डिटेल करना पड़ेगा, जो हो जाएगा वापस, हमें अब जाना है ऊपर की ओर वापस, ठीक है। तो क्या होगा, अब हमें आवाज़ सुननी है कि अभी आवाज़ से हमें डिफरेंशिएट करना है, तो हो जाएगा लैरिंग्स एंड ट्रिकिया, लैरिंग्स एंड ट्रिकिया।
अब क्या हो जाएगा, लैरिंग्स एंड ट्रेकिया आया है तो अपना रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। तो हम अभी रेस्पिरेशन करेंगे, रेस्पिरेशन हो गया तो अभी बीच में कुछ ऑब्स्टेकल आ गया तो क्या हो गया, कफिंग हो गया, तो कफ आया, ठीक है। अब कफ आया तो क्या हो गया, एक एक्सपेक्टोरेशन निकला, एक्सपेक्टोरेशन निकला तो क्या हुआ, बहुत ज़ोर से उसने खांसी खाई तो चेस्ट में दर्द हुआ, तो क्या आया, चेस्ट में, ठीक है। अब चेस्ट के साथ साथ क्या हुआ, उसको बैक पेन भी होने लग गया, बैक, ठीक है। अब बैक आया तो उसने सोचा कि पूरी एक्सट्रीमिटी ही ले लेते हैं, तो एक्सट्रीमिटीज़ भी आ गया, एक्सट्रीमिटीज़। अब उसने ली थी दवाई, ठीक है, सर्दी में हम सब कौन सी दवाई लेते हैं, सेट्रिजिन, ठीक है। तो क्या होगा, नींद आ गई, स्लीप, और स्लीप के दौरान उसको क्या हुआ, ठंडी के साथ साथ फीवर आने लग गया, तो चिल विथ फीवर। अब फीवर उतर गया तो उसको आने लग गया पसीना, और पसीना कहाँ देखने को मिलता है, स्किन। और ये सब चीज़ हम होम्योपैथी में क्या बोलते हैं इसको, जनरलिटीज। ओके, सो इन शॉर्ट आपको कैसे याद रखना है, पहले माइंड से पूरा नीचे उतरना है, ठीक है। माइंड से लेके पूरा आप मेल और फीमेल जेनाइटल तक के लिए नीचे हो आएंगे, देन जैसे ही जेनाइटल आ जाएंगे तो आपको वापस ऊपर जाना है, ठीक है, जो हो जाएगा आवाज़ सुनने के लिए, तो वो हो गया लैरिंग्स एंड ट्रेकिया। ओके, देन वहाँ से अपन को पूरा रेस्पिरेटरी सिम्टम्स या फिर आप URTI के सिम्टम्स याद करके पूरा याद कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो चैप्टर को, इसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है, कैसे है, पूरा नीचे, पूरा फीमेल जेनाइटल तक के लिए पूरा नीचे की ओर आता है, देन लैरिंग से पूरा ऊपर की ओर जाएगा वापस, देन नॉर्मल जो हम लोग को बुखार आता है वो सब लास्ट में आता है। तो मैंने इस हिसाब से याद रखा था, जैसे माइंड वर्टाइगो, ठीक है, दिमाग बहुत ज़्यादा उसने ओवर थिंकिंग किया माइंड में, उसकी वजह से क्या हो गया, उसको चक्कर आने लग गए। अब चक्कर कहाँ आते हैं, हेड में, अभी हेड में हो चक्कर आने लग गए तो क्या हुआ, उसको आँख में दर्द होने लग गया और विजन ब्लर हो गया, विजन ब्लर हुआ तो उसको क्या हुआ, कान में दर्द होने लग गया एंड हियरिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब हियरिंग प्रॉब्लम, आँख कान सब दर्द तो होने लगे, बट साथ साथ में क्या हो गया, उसको नाक में सर्दी हो गई, तो नाक कहाँ आएगा, फेस पे। अब फेस पे देखा तो मुंह भी है उसका, ठीक है, तो मुंह है तो मुंह के अंदर उसने झांक के देखा तो उसको दांत भी थे, ठीक है, तो टीथ, देन टीथ के नीचे जरा नीचे गए तो क्या आया, हमें दो चीज़ देखने को मिली, थ्रॉट देखने को मिले, तो थ्रॉट एक इंटरनल था और जो हम बाहर से देख सकते वो था एक्सटर्नल। फिर हम थोड़ा थोड़ा उसकी कंप्लेंट सुनते गए, देखते गए, तो उसने कहा मुझे पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या होगा, स्टमक। फिर हमने एब्डोमेन को एग्जामिन किया तो हो गया उसको अर्जिंग, तो रेक्टम में उसको अर्जिंग हुई और स्टूल पास हो गया। अब उसको सेंसेशन ऐसा आ रहा था जैसे उसका ब्लेडर फुल है। फिर हमने उसकी किडनी को पालपेट किया एंड प्रोस्टेट को देखा, फिर क्या हुआ, यूरेथ्रा से यूरिन पास आउट हो गया। फिर हमें पता चलना था कि ये मेल है या फीमेल, ठीक है, तो पता चला एक मेल था एंड दूसरा पेशेंट फीमेल थी। फिर हमने और डिफरेंशिएट करना था तो हमने उसकी आवाज़ सुनी जो थी लैरिंग्स एंड ट्रेकिया। फिर हमें पता चला कि उसकी रेस्पिरेशन सिस्टम भी हमें चेक करनी है, तो जब हम चेक कर रहे थे रेस्पिरेशन तो उसको आ गई खांसी यानी कफ। अब कफ आई तो उसके साथ साथ उसको एक्सपेक्टोरेशन भी निकला, देन उसके साथ उसको चेस्ट में पेन हुआ एंड साथ साथ बैक पेन भी हुआ। फिर उसकी एक्सट्रीमिटीज़ पूरी वीक हो चुकी थी, फिर उसको हमने दी सेट्रिजिन जिसके वजह से वो सो गया। अब जब वो सो रहा था तब उसको ठंडी लग के बुखार आ रहा था, मीन्स चिल एंड फीवर,
चील के बाद फीवर लिखना बट है। अब जब फीवर उतर गया तो उसको हुआ पसीना। अब पसीना हमने देखा तो पूरे स्किन पे थी और स्किन हमने ली पूरी एज ए जनरलिटीज में। ओके, तो वैसे आप याद रख सकते हो, ऐसी मैंने ट्रिक मेरे खुद के लिए बनाई थी एग्ज़ाम के लिए। अब हम देखेंगे इसकी अरेंजमेंट, तो रेमेडीज़ कैसी अरेंज है। ठीक है, तो डॉक्टर कैंट यूज्ड 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स टू इंडिकेट द ग्रेड ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो है बोल्ड, इटालिक एंड रोमन। अगर आपके पास अब भी कैंट की रेपर्ट्री होगी तो रैंडमली आप कोई भी पेज निकाल के देख सकते हो। कुछ रेमेडी एकदम डार्क में होगी जैसे स्क्रीन में दिख रही है, कुछ होगी इटालिक में एंड कुछ होगी नॉर्मल हमारी रोमन लैंग्वेज में या फिर रोमन टाइप में। ठीक है, तो अभी इसके हिसाब से उसकी ग्रेडिंग भी है। अगर बोल्ड होगी तो वो होगी 3 मार्क्स मीन्स फर्स्ट ग्रेड, देन इटालिक होगी तो वो सेकेंड मार्क होगी जो होगी सेकेंड ग्रेड, एंड जो रोमन होगी वो होगी 1 मार्क वो होगी थर्ड ग्रेड में। ठीक है, देन फॉलोइंग रेमेडीज आर नॉट वेल प्रेजेंटेड इन रेपर्ट्री सचेस। कौन सी ऐसी चीज़ है जो रेपर्ट्री में अच्छे से मेंशन नहीं है, वो है सार्कोट्स, बायोकेमिक रेमेडीज, ऑर्गन रेमेडीज एंड बोवेल नोसोर, इतनी चीज़ इसमें मेंशन नहीं है। देन ग्रेडेशन ऑफ सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन आर बीइंग मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग कंफर्मेशन एंड वेरिफिकेशन। अगर आपने मेरी फिलोसॉफी वाली देखी होगी वीडियो, उसमें दिखाया था कि किस हिसाब से उसमें ग्रेडिंग की थी। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेड कब कहा जाता है कि वो रिकॉर्ड किया गया है बाय प्रूविंग ड्रग प्रूविंग, कंफर्म किया गया है बाय रीप्रूविंग एंड वेरिफिकेशन बाय एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिक एंड द क्योरिंग देम। देन वेल प्रूव्ड क्लिनिकली वेरीफाइड ड्रग जो होगी, ठीक है, वो कैसी होगी, बोल्ड में प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेड इन बोल्ड दो सिम्टम्स प्रोड्यूस बाय मेजोरिटी ऑफ प्रूवर एंड फ्रिक्वेंटली वेरीफाइड। ठीक है, जो वो होगी वेल प्रूव्ड एंड क्लिनिकली वेरीफाइड। देन ओकेशनली प्रूव्ड ड्रग होगी वो इटालिक में होगी, जो होगी क्या कि रिप्रेजेंटेड इन इटालिक प्रोड्यूस्ड बाय फ्यू प्रूवर एंड ओकेशनली वेरीफाइड। देन ओनली इन स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रूवर में प्रेजेंट होगी, वो होगी रोमन में। नाउ अब हमें मेन चीज़ देखनी है कि हमें रूब्रिक हंटिंग कैसे करनी है और उसको लिखना कैसे है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो जो सिम्टम नंबर है, ठीक है, तो वो हम लोग टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स में से देखेंगे। ठीक है, तो वो होगा पहला, मानो सीरियल नंबर हो गया वो एक प्रकार का। ठीक है, देन सेक्शन, तो सेक्शन में हमें लिखना होंगे जो चैप्टर होगा, जिस चैप्टर में हमें वो रूब्रिक या फिर सब रूब्रिक मिलेगा वो सेक्शन हमें लिखना है। देन उसके अंदर जो रूब्रिक प्रेजेंट होगा वो हमें लिखना होगा, एंड जो सब रूब्रिक उसके रूब्रिक के नीचे दूसरा रूब्रिक होगा वो हमें लिखना होगा, और उस जो कौन से पेज पे होगा वो हमें मेंशन करना होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है, सिम्टम नंबर 1 सेक्शन है स्टमक। ठीक है, देन आप रेपर्ट्री में ये खुल के बैठ सकते हो। ठीक है, मैंने पेज नंबर इसलिए इसमें मेंशन भी किया है, इसलिए आप देख के देखना कि कैसे लिखना है। ठीक है, तो स्टमक चैप्टर है, फिर हो गया डिज़ायर रूब्रिक, और उसके नीचे सब रूब्रिक है टोमेटोज, एंड पेज नंबर है 486। तो क्या हो गया, सिम्टम्स होगा उसका डिज़ायर टोमेटो। ठीक है, तो वो हमें देखना है स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर हमें देखना है रूब्रिक डिज़ायर। अब डिज़ायर के अंदर हमें देखना है कि टोमेटो कहाँ है, टोमेटो जहाँ मिला वो हो गया रूब्रिक का सब रूब्रिक। ठीक है, एंड वो पेज नंबर उसका मेंशन करना है 486। अभी आपने देखा होगा कि सब रूब्रिक के भी कभी सब रूब्रिक देखने को मिलता है, तो उसमें कैसे लिखना है, तो सिम्टम 2 स्टमक में देखना एवर्जन। एवर्जन किससे है, उसको मिल्क से, पर कैसा मिल्क, बॉइल्ड मिल्क। ठीक है, तो वो हो जाएगा उसका सब रूब्रिक, एंड वो पेज नंबर है 481 पे। ठीक है, तो अभी अगर आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा, एक सिम्टम्स मैं आपको दे रही हूँ। सिम्टम्स ऐसा है कि पेशेंट डोंट लाइक टू टेक मेडिसिन। ठीक है, तो आपको ये सिम्टम्स को मुझे कमेंट डाउन करना है कि कैंट में आपको कहाँ मिला है, और उसको इस हिसाब से आपको लिखना है
कि कौन से सेक्शन में है, उसका कौन सा रूब्रिक है और कौन सा उसका सब रूब्रिक है, या फिर अगर उसमें सब सब रूब्रिक भी है तो भी लिखना, एंड पेज नंबर मेंशन ज़रूर करना। ठीक है, तो आपको ये ढूंढना है क्या है सिम्टम्स। मैं वापस आपको बता रही हूँ कि पेशेंट डोंट लाइक टू टेक मेडिसिन, ये सिम्टम्स आपको मैंने दिया है। आपको इसका रूब्रिक हंटिंग करके मुझे कमेंट डाउन करना है कि आपको ये रूब्रिक आपको कहाँ मिला है। ठीक है, फिर इसका मैं एक्चुअल आंसर नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट कैंट के लेक्चर में मैं आपको रिवील करूँगी। ठीक है, ताकि आपका रूब्रिक हंटिंग की भी प्रैक्टिस होती रहे। एंड वन मोर थिंग, जब भी आपकी रूब्रिक हंटिंग हो, ठीक है, आपको जब रूब्रिक हंटिंग के लिए सिम्टम्स दिया जाए तो आपको रिप्रेजेंट ऐसे करना है कि कैंट रेपर्टरी 6th edition, एंड देन आपको कहना है चैप्टर स्टमक रूब्रिक एवर्जन सब रूब्रिक मिल्क सब सब रूब्रिक बॉइल्ड एंड पेज नंबर 481। ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है, ऐसे ही नहीं कहना है कि स्टमक एवर्जन मिल्क बॉइल्ड, ऐसा आपको रिप्रेजेंट नहीं करना होगा। ठीक है, जब भी आपको रूब्रिक हंटिंग वाइवा में पूछा जाए तब आपको ऐसे कहना है, चैप्टर का नाम कहना है, रूब्रिक क्या है वो कहना है, उसका सब रूब्रिक होगा तो वो क्या कहना है, एंड उसका भी अगर सब सब रूब्रिक होगा तो वो मेंशन करना है, एंड लास्ट में पेज नंबर आपको ज़रूर मेंशन करना है। ये ऐसे ही आपको वाइवा में रूब्रिक हंटिंग रिप्रेजेंट करने का होगा। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैंट रेपर्टरी। तो एडवांटेजेस क्या है कि बिकॉज ऑफ वेल एक्सप्लेन सेक्शन रूब्रिक सेक्शन रूब्रिक हंटिंग फ्रॉम कैंट रेपर्टरी इज ईजी। ठीक है, देन देर आर अबाउट 648 रेमेडीज विच हेल्प फॉर द गुड प्रैक्टिस। देन रूब्रिक सब रूब्रिक आर ऑल्सो अरेंज्ड दैट वन कंप्लीट सिम्टम्स कैन बी मेड एट वन प्लेस। ये मेड है तो मेरे से नेड लिख गया। ओके, तो क्या है कि रूब्रिक एंड सब रूब्रिक प्रेजेंट है, उसकी वजह से पूरा एक कंप्लीट सिम्टम्स हमें मिलता है, जो हमें सिम्टम सिमिलरिटी के लिए भी इजी रहता है। ठीक है, देन दिस रेपर्टरी हैज़ अंडरगॉन मेरी वर्क सो दैट न्यूमरस ओपिनियंस कन्फर्म अबाउट इट्स आइडियलिटी। बहुत बार इसको वेरीफाई रिपब्लिश्ड वगैरह किया गया है, इसलिए पूरी फुल फर्निश्ड रेपर्टरी है ये। देन साइज एंड ग्रूव्स ऑन द बुक अट्रैक्ट द रीडर्स एंड द पेशेंट ऑल्सो। अगर आपने देखी होगी कि कैंट रेपर्टरी में साइड में ग्रूव्स दिए हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होगा कि जो फिजिशियन है उसके लिए भी ईजी हो जाएगा, एंड वो चीज़ क्या करेगी, पेशेंट को भी अट्रैक्ट करेगी कि हाँ मेरी डिजीज मेरी मेडिसिन के लिए कितना काम कर रहा है ये चीज़ इसको एक पॉजिटिव होती है इस बुक की। देन देर आर ओनली 3 grades ऑफ रेमेडीज दैट मेक कैलकुलेशन ईजी आफ्टर रेपर्टराइजेशन। ठीक है, तो हमने जो रेपर्टरी सीट भरी थी, ठीक है, आप लोगों ने सबने भरी थी, उसमें क्या कि हमें मार्क्स लिखने होते हैं, 3 marks, 2 marks, 1 marks, तो वो सारी क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन करने के लिए ईजी रहेगी। अगर ज़्यादा नंबर हो गए तो ज़्यादा गड़बड़ी हो सकती है सम अप करने में। देन ओनली रेपर्टरी विच कवर रूब्रिक पर्टेनिंग टू मेंटल जनरल फिजिकल जनरल एंड पर्टिकुलर विच कंस्टिट्यूट द टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स सो इट इज़ यूजफुल इन एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक केस। ठीक है, तो क्या है, पहली एक ऐसी रेपर्टरी है जिसमें तीन चीज़ कवर होती है, कौन सी, मेंटल जनरल फिजिकल जनरल एंड पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि हमें एक ही रेपर्टरी में सब कुछ मिल जाता है, तो एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक केस हमें सॉल्व करने में ईजी रहेगा। देन अ लॉन्ग इंडेक्स हेल्प फॉर द नियोफाइट्स टू फाइंड द रूब्रिक। ठीक है, अगर आप इसके लास्ट पेज पे जाओगे तो आपको उसमें इंडेक्स देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो नियोफाइट्स होते हैं मीन्स जो नौजवान जो होते हैं, ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, जो अभी अभी रेपर्टरी यूज़ करना चाहते हो, तो वो चीज़ इंडेक्स जो है वो नियोफाइट्स के लिए न्यू स्टूडेंट्स के लिए क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी, नौजवान नहीं न्यू स्टूडेंट्स। ओके, मेरे से नौजवान बोला गया। देन दिस रेपर्टरी कंटेन परहैप्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ रूब्रिक सो इट इज़ द बेस्ट इंडेक्स। ठीक है,
देन अब हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेज, ठीक है। तो क्या है, सिम्टम्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड इन पेशेंट्स वर्ड, सो रूब्रिक हंटिंग डिमांड करेक्ट इंटरप्रिटेशन। तो चीज़ क्या है कि सिम्टम्स तो आपके पास होगा, पर क्या है कि पेशेंट की लैंग्वेज में आप उसमें कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, जो पेशेंट ने जो सिम्टम्स कहा उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन करोगे तो ही आपको एक्यूरेट रूब्रिक मिलेगा, वरना वो कह कुछ और रहा है। अगर आपने इंटरप्रिट कुछ गलत किया तो पूरा सिम्टम्स या फिर रूब्रिक और मेडिसिन पूरी डिफरेंट आएगी। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि सिम्टम्स आर नॉट एक्सप्लेन इन पेशेंट्स वर्ड, ठीक है। तो अब हमें उसका मीनिंग ढूंढ के उसको इंटरप्रिट करके रूब्रिक या फिर रेपर्टराइजेशन करना पड़ता है। देन मेनी रूब्रिक्स हैव डिफरेंट डिक्शनरी मीनिंग, जो मैंने ऊपर ही कहा कि हर एक चीज़ का अलग अलग डिक्शनरी में अलग अलग मतलब निकलता है, इसलिए वो हमें इंटरप्रिटेशन सही करना पड़ता है उसके लिए। देन इन सम पार्ट द रूब्रिक्स आर ओवर जनरलाइज एंड ओवर पर्टिकुलर, ठीक है। तो माइंड जो चैप्टर है उसमें ज़्यादा ही जनरलाइज सिम्टम्स देखने को मिलेगी, एंड एक्सट्रीमिटीज़ में जाओगे, एक्सट्रीमिटीज़ चैप्टर में जाओगे तो वहाँ पे पर्टिकुलर्स बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें बैलेंसिंग नहीं है कि इतने ही जनरलाइज सिम्टम्स हो, इतने ही पर्टिकुलर सिम्टम्स हो, उसमें कैसा है, अनइवन है, कभी किसी में ज़्यादा है कभी किसी में कम है, ठीक है। देन सर्टेन एनाटॉमिकल रीजन हैव नो करस्पॉन्डिंग सेक्शन दो द अरेंजमेंट इज फ्रॉम एनाटॉमिकल ऑर्डर, ठीक है। तो क्या है कि कुछ कुछ रीजन में एनाटॉमिकल जो होते हैं, ठीक है, वो नहीं दिए गए, भले ही उसके जो अरेंजमेंट है वो एनाटॉमिकली प्रेजेंट हो, लाइक पार्ट्स हो गए कुछ, तो कुछ पार्ट एनाटॉमिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं। देन मेनी एमुलरेशन आर ऑमिटेड, वन मस्ट लुक देम अंडर एग्रावेशन, ठीक है। तो क्या है इसमें प्रॉब्लम, मेन है क्या कि एमिलोरेशन जो होता है, ठीक है, जो हम लोग कहते हैं मोडालिटीज़ में दो चीज़, एग्रावेशन एंड एमिलोरेशन, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कुछ एमिलोरेशन में क्या किया है उन लोगों ने कि एमिलोरेशन को ऑमिट कर दिया, मीन्स बाहर निकल दिया है, और वो चीज़ हमें एग्रावेशन में देखने को मिलता है। लाइक फॉर एमिलोरेशन इन समर वन मस्ट रिफर एग्रावेशन इन विंटर, उसका वाइस वर्सा हमें देखना पड़ता है कि लाइक समर में उसका एमिलोरेशन है तो विंटर एग्रावेशन हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि एमिलोरेशन इन समर नहीं प्रेजेंट होगा तो हमें एग्रावेशन ड्यू टू विंटर देखना पड़ता है। तो ये थी इसके डिसएडवांटेज। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको कैंट रेपर्टरी थोड़ी अच्छी लगी होगी एंड समझ में भी आई होगी खास करके। तो अभी अभी थोड़ी थोड़ी ही मैंने एडिटिंग सीखी है, तो होप थोड़ी इंटरेस्टिंग बनी होगी, ऐसा मैं होप कर रही हूँ। एंड आपको मेरी ट्रिक्स भी होप अच्छी लगी होगी याद करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही कैंट रेपर्टरी में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर आएगा फ्राइडे को, ठीक है। तो प्लीज़ 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 रूब्रिक हंटिंग जो मैंने दिया है, प्लीज़ आप थोड़ा होमवर्क करके आना, ठीक है। प्लीज़ 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 इतना प्लीज़ मैंने कभी किसी को नहीं कहा है, क्योंकि आप अभी लाइटली लोगे बट रूब्रिक हंटिंग बहुत ही IMP है, प्लीज़ इसको लाइटली मत लेना, ठीक है। इसलिए मैं हर एक रेपर्टरी के लेक्चर में आपको एक रूब्रिक हंटिंग दूंगी, तो वो आपको कमेंट डाउन करना है। अगर आप सही होगे तो मैं ऑब्वियस है, जो लोग भी होगे, ठीक है, जितने भी लोग अगर रूब्रिक हंटिंग का आंसर देंगे वो सारे लोगों को मैं मेरी वीडियो में मेंशन करूँगी, आई प्रॉमिस, ठीक है। तो प्लीज़ 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 जो रूब्रिक मैंने दिया है, सिम्टम्स दिया है, वापस मैं रिपीट करती हूँ, वापस आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ, सिम्टम्स ये है कि पेशेंट डोंट लाइक टू टेक मेडिसिन, ये आपको सिम्टम्स मुझे रूब्रिक कैंट में ढूंढ के आपको मुझे कमेंट डाउन करना है, जो चीज़ से मैंने बताया है कि कैसे आपको नोट डाउन करना है, कैसे लिखना है, ठीक है। तो होप मैं ऐसा रखती हूँ कि आप मुझे कमेंट करोगे, भले ही मेरी वीडियो को अप्रिशिएट ना करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो होमवर्क दे रही हूँ वो प्लीज़ 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 करना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट का ही काम है, 5 मिनट थोड़ी आप रूब्रिक हंटिंग के लिए भी डालिए, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए पूरे फर्निश्ड होके आओगे, ठीक है। तो अगर आप जब भी रूब्रिक हंटिंग आपको वाइवा में पूछेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा,
ठीक है, हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था, आपको ऐसी फैसिलिटी मिल रही है, रूबरिक हंटिंग कोई आपको करवा रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा आप भी एफर्ट्स डालिएगा, ठीक है। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वो मुझे खुद को नहीं पता वो कब आएगी, बट आएगी ज़रूर। बट हर फ्राइडे को अब रेपर्ट्री के लेक्चर्स होंगे, तो प्लीज़ 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 आप मेरी वीडियो को, अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिस आउट ना करें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।